खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में आचार संहिता लगते ही सक्रिय हो गई नगर कोतवाली की पुलिस। मुख्य चौराहे से उतरवाए गए होर्डिंग पोस्टर बैनर। सुल्तानपुर में आचार संहिता के लगते ही सुल्तानपुर की पुलिस सक्रिय हो गई है। आचार संहिता लगते ही नगर कोतवाली के पोस्टर बैनर जहां भी चुनाव के दिखते हैं सब उखाड़ फेंक रहे हैं। सुल्तानपुर में होली के दो दिन पहले ही दुकानों पर दिखाई देने लगा सन्नाटा। दुकानदार दिखे मायूस, पूरे शहर में पसरा रहा सन्नाटा। सुल्तानपुर में भारत बंद को लेकर किसानों ने किया तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन, लगाए सरकार के विरोधी नारे। सुल्तानपुर दो मुहा पुलिस ने 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर कोलवार में पीड़िता के साथ हुआ था दुष्कर्म, अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 21,000 रुपए का लगाया दंड। आपको बता दें कि सुल्तानपुर के कोलवार में 2009 में पीड़िता के साथ हुआ था दुष्कर्म। पीड़िता खेत में गई थी, उसी के साथ दुष्कर्म हुआ था। 2009 का मामला, अब जाके आरोपी को मिली है उम्र कैद की सजा और 21,000 रुपए का जुर्माना। सुल्तानपुर एसपी के निर्देश अनुसार चलाया गया वाहन संगन चेकिंग अभियान। वाहनों की काली फिल्म उतरवाई गई व लोगों से की गई पूछताछ, संदिग्ध लोगों की ली गई तलाशी। सुल्तानपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक बने विपिन कुमार मिश्रा। सुल्तानपुर जिले में होली के पर्व की मची धूम, सज धज कर तैयार हुई पिचकारी की दुकान, लोगों की खरीदारी के लिए अब उमड़ेगी भीड़। सुल्तानपुर जिले में शौचालय योजना के पात्र लाभार्थियों के साथ हुई थी गड़बड़ी, कांग्रेस नेता के हस्तक्षेप के बाद गरीबों को हुआ था आवंटित, दिया बयान सुनिए। सुल्तानपुर जिला अधिकारी रवीश गुप्ता ने लोगों से की अपील, अवैध अड्डों पर बिकने वाली मदिरा का ना करे सेवन, पड़ सकती है जान खतरे में। सुल्तानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चलाया युद्ध संपर्क महाअभियान, सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बांटे पत्र, कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। कादीपुर सूरापुर में सड़कों पर कार हुआ शुरू, एनएटी के सदस्यों द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से की गई थी सड़क को लेकर शिकायत, अब हुआ सड़क का तेजी से काम शुरू, लोगों में खुशी की लहर। जयसिंहपुर के भटवारा गांव में प्लांट के पास तेज रफ्तार बुलेरो ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, साइकिल सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिवार में मचा कोहराम।